विगत सोमवार को भारत चीनी सीमा रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं इस झड़प में विंध्य के मनगवा थाना अंतर्गत मनिकवार चौकी के फरेंदा निवासी दीपक सिंह ने वीरता एवं साहस का परिचय देते हुए शहीद हुए, जिसके बाद पहुंची खबर से पूरा विंध्य शोकमग्न हो गया। वहीं आज दीपक का पार्थिव प्रयागराज पहुंचा, जहां पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात शहीद दीपक का पार्थिव मनगवा पहुंचा, जहां पर लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीद दीपक को अमर रहे के नारे लगाए एवं हजारों की संख्या में लोग जुलूस का रूप ले फरेंदा के लिए चल पड़े। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के शामिल होने की जानकारी के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में ही पहुंच अंतिम संस्कार स्थल का जायजा लिया एवं कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरतने निर्देशित भी किया। विंध्य की माटी के अमर शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं अधिकारी पहुंचे। वहीं सेना के विशेष वाहन से सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में फरेंदा जैसे ही इस वीर सपूत शहीद दीपक का पार्थिव तिरंगे में लिपटा घर पहुंचा, वैसे ही पूरे क्षेत्र में दीपक सिंह अमर रहे के नारे से पूरा क्षेत्र गमगीन कर दिया। वहीं लोगों के हृदय में गर्व एवं फख्र से भर दिया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक द्वय राजेंद्र शुक्ल एवं दिव्यराज सिंह सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD मिश्रा एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के जवानों एवं पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार स्थल पर अंतिम सलामी दी गई। तत्पश्चात शहीद दीपक सिंह का पार्थिव पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान रीवा संभाग के संभागायुक्त राजेश जैन, पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, DIG अनिल सिंह कुशवाहा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक आविद खान सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शहीद दीपक सिंह के अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने शहीद के परिजन को 1 करोड़ की राशि, 1 मकान एवं 1 सदस्य को शासकीय नौकरी देने की बात कही। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चीन की इस हरकत का जवाब सैन्य नीति एवं आर्थिक नीति से देते हुए चीनी सामग्री का बहिष्कार करने की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रस्तुत है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह से जानकारी के अंश। यहाँ की धरती धन्य हो गई, रीवा जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया, जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए, पर ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए, लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है, इनके साथ पूरा देश, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में ही पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा।
एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा, उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से, परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था करेंगे। वो चले गए लेकिन उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज श्री गिरीश गौतम जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनको भी आना था लेकिन राज्यसभा में वो काउंटिंग एजेंट हैं और अभी 5 बजे वोटों की गिनती होनी है, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि शरीर मेरा यहाँ है लेकिन अंतरात्मा फरहदई में है, तो उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको तो अपने श्री चरणों में स्थान देंगे ही, दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। फरेंदा गांव की तस्वीर भी बदलेगी सर, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा विकास नहीं होता है, जो 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 आवश्यकता है ग्रामवासियों ने दिया उसको पूरा। सर, चीन से निपटने के लिए क्या तैयारी होगी सरकार की? तो मैं मध्य प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे, और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा।